नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल स्टॉक पर। दोस्तों, यूपीटीटी एग्जाम को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर आई है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है और अभी तक जो भी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। उनको 3 दिन का अतिरिक्त समय मिला है, यानी कि जो डेट आज लास्ट डेट होने वाली थी यानी कि 4 अक्टूबर को, वो अब यानी कि 7 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। अब 3 दिन उसमें समय बढ़ा दिया गया है। मैं इसकी आपको पूरी न्यूज़ दिखाता हूँ कि कैसे मुझे ये पता चला, ताकि आपको बिल्कुल एक सबूत के साथ भी हो जाए कि हाँ भाई सही न्यूज़ है ये। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये जागरण वालों की न्यूज़ है, यूपीटीटी 2018 पंजीकरण की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ी। इसके नीचे पूरी डिटेल दी है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2018 का पंजीकरण 3 दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज शाम 6 बजे तक ही इसका पंजीकरण होना था, यानी कि आज ही इसकी लास्ट डेट थी 4 अक्टूबर की, लेकिन अब स्थिति को बढ़ा दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ है, ये निर्णय क्यों लिया गया है, प्रदेश सरकार ने इसमें बैठने के इच्छुक अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से वंचित ना करने का निर्णय लिया, और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है क्योंकि सभी स्टूडेंट ये भरना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि लास्ट डेट और सर्वर की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, उसी चक्कर में ये डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। और मैंने भी अपने चैनल पे वीडियो डाली थी कि आप धैर्य रखें, डेट जरूर बढ़ेगी आगे, और वो ये अब डेट आगे बढ़ भी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अनुसार अब इसमें पंजीकरण कराने के इच्छुक 7 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकते हैं, यानी कि 3 दिन अभी आपके पास हैं। आज 4 तारीख है, अब 7 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। अभी तक करीब 18 लाख पंजीकरण और 6 लाख शुल्क सहित आवेदन आए हैं। इसकी वेबसाइट काफ़ी दिन तक हैंग रहने के बाद भी पंजीकरण कराने वालों का जोर लगा है। आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से चल रही है, 17 सितंबर से इसकी प्रक्रिया चल रही थी और 4 अक्टूबर पहले लास्ट डेट थी, और अब ये जो लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर हो गई है, और अब इसमें पंजीकरण पर्याप्त हो गए, लेकिन समय सीमा ना बढ़ने से आवेदन पूरे नहीं हो सके। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये कि आप ये जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें और इस खबर को फैला दें, ताकि आपका जो और भी कोई साथी है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो भी आवेदन कर सकें। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।